बच्चों कहानी टाइम। ये आज हम सुनाएंगे जन्नत स्कूल की कहानी। ये किसकी कहानी है? ये कहानी है स्कूल वाली आंटी और जहाज वाले अंकल की। जहाज वाले अंकल? हाँ। स्कूल वाली आंटी? जी बच्चे जी। तो शुरू करें। तो कहानी शुरू होती है जन्नत से। जन्नत वो क्या होता है? बेटा जन्नत जहाँ ऊंचे पहाड़ होते हैं आसमान तक, जहाँ नीले रंग की झील होती है और हरे रंग की भी, और हरी हरी घास वाले बड़े बड़े मैदान होते हैं, और उन बड़े बड़े मैदानों में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। अंकल अंटी जन्नत में रहते थे? नहीं, अंकल तो किसी और शहर में रहते थे, अंटी भी किसी और शहर में रहती थी, और वो अंकल चलाती थी। हैं? मतलब? मतलब अंटी अंकल मिलकर जन्नत स्कूल चलाते थे। तुमने वो पोयम सुनी है ना, चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़ा लाया चावल का दाना। दोनों ने फिर दलिया पकाई, बच्चों को भी खूब खिलाई। हाँ, और चिड़िया और चिड़े ने ये दरसगाह बनाई और उसमें करते थे बच्चे पढ़ाई। जन्नत के स्कूल में कौन पढ़ता था? वहाँ के प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ते थे भाई। वो पढ़ते भी थे, खेलते भी थे, वो छुक छुक ट्रेन भी बनाते थे। हाँ। वो गाने भी गाते थे। जी। गाने भी गाते थे और कौमी तराना भी पढ़ते थे। आपको आता है? हाँ। तो जरा पढ़ के सुनाओ। पाक सर जमीन शाबाश, बीच पे हसीन शाबाश, तू निशाने असने आली शान, असे पाकिस्तान मरकजे यकीन शाबाश, से। अच्छा चलो आओ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। अरे अरे जल्दी आओ, देखो आंटी क्लास लेने जा रही हैं। अरे जल्दी चले। क्या है बच्चों? बा, 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 क्या है? ओहो ये तो क्लास शुरू हो गई। अब हम क्या करेंगे? बस कौन-कौन से अच्छा? कोई बात नहीं, चलो आज मैं और तुम जन्नत स्कूल की एक क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद हम मिलेंगे। ओके क्या है? ओके ये क्या
क्या है? ये शाबाश। जन्नत जैसी वादी नलतर में ये स्कूल है पढ़ा लिखा पाकिस्तान स्कूल। साल था 2013 जब लाहौर के एक एयरफोर्स ऑफिसर सर जाहिद और उनकी आयरन लेडी मिसेस जाहिद ने यहाँ स्कूल शुरू करने का फैसला किया। उनकी मदद कुछ वॉलंटियर्स और कुछ दोस्तों ने की। अरे रुके रुके, सारी कहानी आप बता देंगे, स्कूल आंटी भी को कुछ बता देते। अच्छा चलो ठीक है, तो तुम आंटी से सवाल करो। ओके, हेलो स्कूल आंटी। हेलो हेलो स्कूल आंटी, हमने कुछ स्कूल बारे में बताया। ये स्कूल आज से 7 साल पहले सिर्फ एक वॉलंटियर प्रोग्राम था। यहाँ आए, देखा बच्चों के हालात बहुत ही तकलीफ दे थे, यानी पढ़ाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सफाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इवन बड़े बड़े बच्चों को कलमा तक नहीं पढ़ना आता था। तो उस चीज़ को देखते हुए कुछ ये जहन में आया कि इनके लिए कुछ किया जाए। तो आके पहले 2 साल तो बहुत टफ गुजरे, लोगों ने बहुत रेजिस्ट किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको ये समझाया गया कि अगर आपके बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो बेहतरी की सूरत पैदा होगी। स्कूल आंटी, आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? माशाल्लाह से हमारे पास इस वक्त 270 बच्चा है, 272 बच्चे हमारे पास हैं और ज़्यादातर लड़कियां हैं। तो जिसके लिए मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि अगर बच्चियाँ तालीम पाएंगी तो इनकी आने वाली नस्ल संवरेगी। तो इस चीज़ से लोग मोटिवेट हुए, आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हमारे साथ मेहरबानियाँ की। बहुत से लोग हमारे साथ आते रहे, मिलते रहे, चलते रहे और आज हम इस जगह पे हैं जहाँ आप देख रहे हैं। आंटी यहाँ पर तो बहुत सर्दी होती है, क्या बच्चे पढ़ने आते हैं? सख्त मौसम होता है, बहुत शदीद होता है, शुरू के सालों में बड़ी तकलीफ़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह पड़ती बर्फ़ में भी बच्चे आते थे, हम खुद भी आते थे। एक दफ़ा का जो इंसिडेंट जो बच्चों की मेरे साथ अटैचमेंट का इजहार करता है, बर्फ़बारी हो रही थी, जाहिर साहब मौजूद नहीं थे, तो बच्चों को ये ख्याल था कि मैडम अकेली कैसे आएंगी। नर्सरी से ऊपर जो केजी और नर्सरी बच्चे मुझे लेने आए मेरे घर पे, दरवाजे पे नॉक हुआ, मैंने पूछा बेटा कौन इतनी बर्फ़ में क्यों आए हो? मैंने कहा हम आपको लेने आए हैं। मैंने कहा बेटा मैं आ जाती, नहीं आप गिर जाती ना। तो इनका एक बड़ा टिपिकल वो डायलॉग होता है, मैडम हाथ दो, मतलब सहारे के लिए हाथ दो, वो चीज़ मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगती है। दूसरा, जब मैं गेट में एंटर होती हूँ बच्चे यूँ मेरी तरफ लपकते हैं ना, भागते हैं मुझसे मिलने के लिए, और जो उनके चेहरों पे खुशी होती है और जो प्यार होता है उनकी आँखों में, वो चीज़ मेरा हौसला बढ़ाती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके लिए वो सब करूँ जो मेरे से हो। अरे देखो ये तो ब्रेक टाइम हो गया, क्या तुम स्कूल के बच्चों से दोस्ती करना चाहोगी? हाँ, मैं तो करूंगी। आओ चलो फिर खेलते हैं, चले चले। हाँ भाई खेल लिया, दोस्त बनाए? जी मेरे बहुत सारे दोस्त बनाए।
अच्छा तो हमें भी तो अपने दोस्तों का नाम बताओ। मेरी दोस्त रमशा से, वो बहुत पुराकू है। मेरी दोस्त मिर्जा रम से, वो तो मेरी पिक्चर भी बनाती है। अरे वाह भाई वाह। और अंकल आपको पता है आज कौन सा डे है? नहीं बताओ कौन सा डे है? फन डे। वाह इसमें क्या होता है? इसमें पोएम पढ़ता है, उसमें बटरफ्लाई बनते है, वो बटरफ्लाई उड़ती है। अंकल अंकल जी बेटा, स्कूल वाली आंटी से मैंने तो मिल लिया, अब जहाज वाले अंकल से भी तो मिला है। बेटा जहाज वाले अंकल तो असली वाली जन्नत में है। असली वाली? वहाँ भी स्कूल है? हाँ शायद वहाँ असली जन्नत में भी जहाज वाले अंकल ने स्कूल खोला होगा, किसी नीली सी झील के किनारे हरे भरे सब्ज मैदान में, और सबको पढ़ा रहे होंगे। जन्नत में सब जन्नत के गीत गा रहे होंगे।